हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ट्विस्ट पार्ट सीखने वाले हैं। तो ट्विस्ट पार्ट जो है ना, वो जो 27 नंबर का जो डिज़ाइन है ना, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ से ये ऊपर से आ रहा है और राइट व्यू से आप देखेंगे ना, तो नीचे से पूरा टर्न लग के यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। तो इसे हम है ना ट्विस्ट पार्ट कहते हैं। ट्विस्ट मतलब एज ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पे ऊपर से। तो आपने जैसे यहाँ पे 25 नंबर तक आपने डिज़ाइन बनाया है और ये 26 नंबर का अभी इसमें बाकी होगा डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पे है ना ये रिबिन शेप का है। वो आपको अभी नहीं बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि 26 वो कब बनाना है। तो अभी यहाँ पे वहाँ तक बनने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे 27 नंबर पे हम आ जाएंगे कि रिबिन 27 नंबर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी जैसे ये जो पार्ट है ना, इसी डिज़ाइन में मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि ये पार्ट कैसे बनता है, और ये डिज़ाइन भी आपको पूरा बनाना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे 50 mm है ना, ये पूरा डिज़ाइन सेट कर दीजिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एप्लीकेशन का लिंक, मेरा नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तीनों जगह पे आप मुझसे ज्वाइंट हो जाइए। एप्लीकेशन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है उसका उसमें फ्री वीडियो मिल जाएगा, और मुझसे अगर ऑनलाइन आपको सीखना है तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है उसमें आप ज्वाइंट हो जाए, आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना उस ग्रुप में आप मैसेज करना। वहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे डिजाइनर जो है वहाँ पे, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा ना वहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप मुझे पर्सनल, मैंने ना जो नंबर दिया है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे 50 mm में ये जो डिज़ाइन है वो पूरा सेट कर देता हूँ। आपको 50 mm में अभी मैंने सेट कर दिया है। तो ये जो है ना अभी डिज़ाइन साइड में है, वो आपको एकदम परफेक्टली सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए बीच में, और यहाँ पे ऐसे सेंटर में ये जो स्टोन है ना उसको सेंटर के हिसाब से देखिए। जैसे यहाँ पे एक प्रॉन्ग मैंने बीच में परफेक्टली ये ले लिया है, तो ऐसे तो एकदम स्ट्रेट मतलब हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ओरिजेंटल भी आपको देखना है कि ओरिजेंटल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल जो है ना वो नहीं हुआ है, वो यहाँ पे ऊपर लेना है। तो आप शिफ्ट दबा के ऐसे ऊपर ले लीजिए और थोड़ा यहाँ पे साइड में भी देख लीजिए। तो ये परफेक्टली ये हमें सेंटर में हो चुका है। परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है ना वो अगर आपको देखना है ना, तो आप यहाँ पे एक सेंटर सर्कल ले लीजिए, यहाँ पे ये मेजरमेंट कर लीजिए, ये मेजर कितने का है वो। और जैसे यहाँ पे ये प्रोंग से लेकर यहाँ पर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कितने का, 2.6 का है। तो 2.6 का आपको सर्कल लेना है। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा यूँ कि बर है, देखिए परफेक्ट आ गया। अभी इसे डिलीट कर दीजिए और ये जो डिज़ाइन है ना बाकी का जो भी है बिना काम का वो सब ट्रिम कर दीजिए, और यहाँ पे ये डिज़ाइन का कलर देकर आप लॉक कर दीजिए। तो ये परफेक्ट अभी यहाँ पे सेट हो चुका है। ये सब आपको पता ही है कैसे करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ट्विस्ट पार्ट जो है ना वो सीखना है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है ना वो भी डोम वाला मैंने आपको पियर शेप बताया था ना, वैसे आपको सेट करना है। ये आपको अपने हिसाब से ही करना है, फिर नहीं होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे करना है। इसमें आपको सिर्फ ये अभी ट्विस्ट पार्ट जो है ना वो सीखना है। तो ट्विस्ट पार्ट हमें इसे बनाना कैसे है कि सबसे पहले यहाँ पे है ना आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ आपको जैसे यहाँ पे पट्टी है तो आपको यहाँ से दिखेगा यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से नहीं हो रहा है, ये पट्टी एकदम पूरा यहाँ से क्लस्टर से ज्वाइंट होकर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ये मैं कर्व ले रहा हूँ, तो ये जो कर्व है ना वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैंने ऐसे ड्रॉ करी है। आपको इस तरीके से ये ड्रॉ करना है। ये जो पट्टी है ना टर्न लग के यहाँ पे इस लेवल पे जा रहा है, तो यहाँ से आप इस तरीके से पहले एकदम ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए, बाद में शेप चेंज हो गए तो एक कर्व यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगा, फिर एक दूसरा कर्व ड्रॉ करना है और उसका सामने जो कर्व है एकदम ये जो यहाँ से स्टार्ट किया है ना तो परफेक्ट यहाँ से ही करिए। यहाँ से ऐसे मत करिए, यहाँ से स्टार्ट करिए और इस तरीके से आप कर्व ले लीजिए। और ये जो कर्व है ना वो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको अपने हिसाब से यहाँ पे टर्न लग के यहाँ पे आ जाना चाहिए कर्व।
ये जो हम ये शेप बिगड़ा है ना वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक इसके सामने जब टच हो ना वहाँ तक आपको इसे ड्रॉ कर देना है। अभी यहाँ पे देखिए शेप थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये जो लेवल है ना, ये पट्टी का लेवल, ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड, जैसे यहाँ पे टर्न लग के वो ऊपर से जैसे नीचे आ रहा है उस तरीके से है। तो ये ध्यान रखना कि ए साइड का जो पार्ट है ना वो ऊपर लेना है, ए साइड का जो पार्ट है वो नीचे लेना है। तो सबसे पहले दोनों को मैंने जो ड्रॉ किया है ना वो कर्व सेम नहीं था, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे पॉइंट ज़्यादा कर देना है, 10 या 11 जो भी आपको करना है। 10 अगर कम लगे तो आप 12 पॉइंट कर दीजिए। तो 12 पॉइंट ले लिया और यहाँ पे ओके कर दीजिए। शेप बिगड़ गया लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो पोजिशन है ना वो ऊपर लेना है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका पॉइंट ऑन करिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पॉइंट है ना ए साइड का, आपको ऊपर ले लेना है। ये जो पॉइंट पूरा राइट यू में ऐसे 3 mm तक आपको ऊपर ले लेना है। 3 mm मतलब जैसे यहाँ पे 3 बॉक्स, ये 3 बॉक्स आपने ऊपर लिए तो उसके सामने परफेक्टली ए साइड में भी पॉइंट होगा। तो ये जो पॉइंट है ना वो आपको 3 mm नीचे ले लेना है। लिया, देखिए ये 3 ऊपर लिया, ये 3 नीचे लिया, इस तरीके से पॉइंट हुआ ना। इस साइड में आप जितना भी ऊपर लेना उतना वो सामने के साइड में नीचे लेना है। मैंने अभी ये 2 पॉइंट लिया, अभी ये 2 पॉइंट मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये पॉइंट कितना ऊपर लेना वो फिक्स नहीं है, आप ऐसे शेप करके पहले आप ले लीजिए। 2 mm तक मैंने पॉइंट खींचा इसे, तो सामने के साइड भी 2 mm तक आपको नीचे खींचना है, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला एक पॉइंट 2 है, वो आप कहाँ तक खींचते हैं, जैसे यहाँ पे 2 mm तक ही मैं इसे खींच लेता हूँ, तो सामने के साइड वो भी पॉइंट आप 2 mm तक नीचे खींच लीजिए। अभी ये जो शेप बिगड़ा है ना वो हम बाद में सेट करेंगे, पहले आपको कर्व है ना सेट करना है। ये पॉइंट मैंने इतना ऊपर लिया 2 mm तक, तो उसका सामने का जो पॉइंट है ये वाला वो भी 2 mm नीचे ले लीजिए। फिर बाद वाला ये पॉइंट रहेगा वो आप 1 mm तक ऊपर खींच रहे, तो यहाँ पर 1 mm तक नीचे खींच रहा हूँ। 1 mm बोल रहा हूँ मतलब कि ये जो 1 mm का बॉक्स, 2 बोल रहा हूँ तो 2 mm का बॉक्स। ये देखिए पूरा शेप अभी राइट यू से मतलब सेट हो चुका है जो पूरा। तो अभी राइट यू में शेप चेंज करना है। शेप कैसे चेंज होना, जैसे हम लूप बनाते हैं, लूप में कैसा होता है पूरा यहाँ पे राउंड रहता है और फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, उस तरीके से होता है। इसमें ऐसे ही सेट करना है। ये जो लास्ट जो पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट, इसको आपको कुछ नहीं करना है, सेंटर में रहना चाहिए। अभी इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे सीधा जा रहा है ना, तो ये 2 पॉइंट ना आपको ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे खड्डा हो रहा है। तो ये ऊपर ले लिया, ये पॉइंट पूरा ऐसे ऊपर ले लीजिए, ये पॉइंट भी ऐसे ऊपर ले। अभी मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अभी शेप कैसे एकदम परफेक्ट हो गया राउंड। सेम उस तरीके से आपको नीचे भी कर देना है। ये हो गया, ये पॉइंट आप नीचे ले लीजिए और ये पॉइंट थोड़ा ऊपर ले लीजिए और ये पॉइंट यहाँ तक ले लीजिए। मतलब ऊपर जैसे जितना आपने लिया ना उस तरीके से नीचे कर दीजिए। तो ये हो गया, देखिए राइट व्यू से आपको पियर शेप लगे ना वैसे करना है। ये जो जब भी लो ना तब ऐसे एक एक पॉइंट आपको नहीं करना है। ये 2 ले रहे हो तो ये 2 साथ में लेना, यहाँ पे चेंज कर रहे हो तो ये दोनों भी साथ में रहना चाहिए। ये दोनों भी साथ में होना चाहिए। तो अभी राइट व्यू से एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। आपको ये शेप देखना है, एकदम ऐसे खड्डा नहीं रहना चाहिए बीच में, आपको ये परफेक्ट ये शेप देखना है। फिर आपको टॉप व्यू में आना है। टॉप व्यू में आप देखिए जहाँ पे भी ये शेप बिगड़ रहा है ना उसको चेंज करिए, लेकिन आपको पॉइंट ऊपर नीचे नहीं लेना है, सिर्फ राइट और लेफ्ट यही करना है। अगर आप ऊपर ऐसे लेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अगर ऐसे ऊपर लूँगा तो यहाँ पर राइट व्यू में देखिए पॉइंट आगे आ गया, तो वो नहीं करना है। तो आपको ये दोनों पॉइंट मुझे साइड में लगना है, लेना है, तो साइड में ले लिया। ये मुझे एक सिंगल पॉइंट, इसमें आप सिंगल कर सकते हैं सिंगल करना है तो, लेकिन लेफ्ट और राइट 2 पॉइंट ही। यहाँ से मैं इसे ले रहा हूँ, ये भी यहाँ से ले रहा हूँ। तो देखिए टॉप व्यू में से भी सेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये राइट व्यू में परफेक्ट सेट हो चुका है, टॉप व्यू में भी हो चुका है। तो इतना एक आपको परफेक्ट पहले कर्व बनाना है। ये सरफेस बनने से पहले भी आप देखिए कि आपका परफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये यहाँ पे ऐसे सीधा
कंप्लीट आ रहा है, राइट वे में भी परफेक्ट शेप है कि नहीं है वो देखना है। अगर ये आपको बहुत ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, आप 3 mm तक कर दीजिए, जैसे यहाँ पे यहाँ से 3 mm, तो फिर तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। देखें इस तरीके से आप कर देना, यहाँ पे 3 mm तक ही रखना है, 4 mm बहुत मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत बड़ा डिज़ाइन होता तो 4 mm रखते, तो यहाँ पे आप 3 mm तक इसको सेट कर दीजिए और फिर दोनों को लॉफ्ट दे देना है। यहाँ पे लॉफ्ट दे दिया, देखिए यहाँ पे आपको शेप थोड़ा लग रहा है चेंज, तो आप कंट्रोल जेड करके आप अपने हिसाब से पहले चेंज कर लिया आपको लग रहा है तो। ये थोड़ा मैंने यहाँ कर दिया, फिर दोनों को लॉफ्ट देना है और यहाँ पे इसे हाइट दे देना है 1 mm। तो इस तरीके से ये पूरा जो ट्विस्ट पार्ट है ना वो बन गया है। फिर टोपियों में से आपको जो भी करना है, चेंज करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाना कैसा है वो मैंने आपको बता दिया। अभी यहाँ पे आपको कम लग रहा है तो और बढ़ा दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको कम लग रहा है तो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, फिर हाइट दीजिए 1 mm, इतना लग रहा है तो इतना कर दिया, बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए, कम करना है तो कम कर दीजिए। बनाने का रीति ये है, ये साइड ऊपर आ रहा है, ये साइड नीचे आ रहा है। अगर ये साइड नीचे और ये साइड ऊपर होता तो मैंने जैसे यहाँ पे ऊपर लिया तो ये ऊपर लेता और ये नीचे लेता, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये पूरा बनेगा। फिर ये बनने के बाद है ना, इसके अंदर डायमंड भी सेट किया है, और डायमंड सेट करने में है ना, यहाँ पे ये जो प्रोंग है ना वो रेक्टेंगल प्रोंग रहा है, तो रेक्टेंगल प्रोंग जो है ना वो मैं आपको आगे वाला वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये रेक्टेंगल प्रोंग है ना वो कैसे रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, इसमें है ना आप राउंड प्रोंग मत रखना, ये इसमें डायमंड लगा के रखना और आगे का वीडियो देख लेना। आगे का वीडियो देखने में आपको पता चल जाएगी कि ये रेक्टेंगल प्रोंग कैसे रखाना है, तो फिर आप इसमें ये सेट करना। बाकी सब कॉपी किया हुआ है और डिज़ाइन का भी फाइल मैंने आपको दे ही दिया है, इस तरीके से सेट करना है, क्लस्टर कहाँ पे रहेगा, ये कहाँ पे रहेगा, वो आपको सब पता ही है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, बाकी ये वीडियो ये पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2-3 बार बनाइएगा, उसके बाद ही वो डिज़ाइन बनाना। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन ओपन करके आप स्टार्ट ही कर देना, इसमें ही 2-3 बार बना देना, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। फिर ये जो है ना वो पूरा कॉपी है, जैसे यहाँ पे ये एक बन गया ना, तो यहाँ पे मैं पूरा कॉपी लगा देता हूँ, 8 कॉपी नहीं है, 10 कॉपी, 10 भी नहीं है, 9 कॉपी मैंने रखा है, 9 कॉपी कर दिया, और यहाँ पे ये 3 रखना है और बाकी ये सब ये दोनों डिलीट हो जाएंगे इस तरीके से। ये सब कॉपी है, एक बाद एक जो है कॉलेट बनाया वो भी कॉपी कर देना, ये भी बनाया वो भी कॉपी कर देना, ये भी एक एक बना के सब कॉपी करना है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा ये डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद मुझे दिखा दीजिए, उसके बाद जो है वो आगे का वीडियो देखना।